तो उससे मेरा नाम यूट्यूब पे बोला छेड़ी इमरान सना के साथ मिलके, क्यों भी मेरी फ्रेंड थी, इमरान मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, बल्कि उसने छेड़ी। तो जब मैंने मैंने क्या बोली कि पैसे का जिक्र नहीं काटूंगी, पैसा नहीं मांग रही हूँ, मगर बदला तो लूंगी ना। चल तू बदला झूठ में आती वो नन शो बोल, तू जिधर बोल उधर आती, मैं तू जिधर बुला मैं उधर आने तैयार है। और रही बात ना इंस्टाग्राम से यूट्यूब से तेरा घर चलता है मेरा घर नहीं, सिर्फ मैं मनोरंजन करती। क्या है मालूम है, इंस्टा की फैमिली मेरे को चाहती और मैं उनको चाहती, एक टाइम पास बस इंजॉय, उनका भी दिल लगता है और मेरा भी दिल लगता है। घर तेरा चलता है मेरा नहीं रे, क्योंकि तू तो लोगों को लूटी 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 अब इंस्टा से यूट्यूब से, और मेरे कितने ईडियो उड़ा रही है, क्योंकि सच्चाई सुन नहीं सकती क्या ईडियो उड़ाती है। हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर इंस्टाग्राम बंद भी कर देंगे ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे को तू उसकी मजदूरी करती है, मैं नहीं करती हूँ समझी ना। मैं एक शौक के लिए बनाती, और शम्मो क्या कटेली कटेली बोलती, तेरे को बेटी नहीं तो किसी कटेली किसी काली के नाम रखेगी क्या तू। हाँ पहले भी किसी बच्ची को बदनाम करी थी, मैं नाम नहीं लूंगी जिसके लिए बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वो शम्मो कटेली क्या होती, तू देखने गई थी क्या रे, हाँ कटेली दिखती तेरे को, और तेरे बालों पे मैं थू अंगार लगे नकली विक पे मैं मरूं, अंगार लगे तेरे बाल का जिक्र मैं करूं। हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी के पास दम नहीं है पुलिस बुला लेगी। अरे आंटी कॉल तू करती हम नहीं करते, तू बुलाई थी स्टेशन पे पुलिस हम नहीं बुलाए, बात से बात हम करते समझी ना। तेरे को ज्यादा डर है दल्ला लेके जो घूमती ना साथ में कटिंग करने के लिए वीडियो उड़ाने के लिए, इंस्टा की फैमिली मेरे वीडियो उड़ा रही है इसलिए मैं इसके ऊपर चिढ़ रही हूँ बस। क्यों सच नहीं सुन सकती क्या, बोलना यूट्यूब पे डालते हमको आता नहीं भाई, यूट्यूब पे डाल लेके ना वीडियो बनाने आता ना, मेरे बच्चे बोलते कि अम्मी मत बना, जब तेरे को लेना है तो पूरा बदला लेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों लेंगे, मगर ये वीडियो बना के तू बोल मत उसको। फिर भी मैं वीडियो बनाती, मेरे बच्चे लोग मेरे को मना करते वीडियो पे मत बोल, तेरी भड़क हम लोग निकालेंगे तू टेंशन मत ले बोलते। तो काहे के लिए मैं भड़क नहीं, अरे मैं अभी भी बोलती मैं तेरे 15 लाख पे मैं थूकती हूँ मगर तुझे नहीं छोड़ती, कुरानी कसम तू खाती यार। अब बताओ ख्वाजा साहब की छट्टी में गई है, गाने बना रही है, साड़ी पहन के फिगर दिखाई, मैदा तेरा मैदा पिलपिल जो इसने बताया था तेरा आदमी नहीं कि मैदे की तरह दिखती, बोले कहो बोलू भाई मेरे को चप्पल चप्पल मारती है, मेरे को लादी पहुँचाती, लोग घर में पूरा काम कराती, उसको तो लूटी लूटी लूटी, अभी क्या है बाकी, गांड पर लात मारती तो अभी बता रही क्या लोगों को पर्दे पे आके। और तू क्या बोलती यूट्यूब में उड़ा डाल के उड़ा रही है, इससे उड़ा रही है, मेरे को आता नहीं वीडियो बनाने में, सच का बोल रही मैं पैसे को नहीं, ऐसे पैसे को मैं थूकती। जो औरत एक फ्लैट में 10-10, 15-15 लाख का लगा के खाली बाथरूम ही बना रही है घर बना रही है, तो आप सोचो ये बात नहीं। अरे पैसा अगर उड़ाना ही है तो मैं गरीबों को दान दूं ना, गरीबों को दूं ना, तेरी तरह 3-3 हज़ार गरीबों के पैसे लेकर। कुरान आई बॉम्बे से तो बोलती बरेली से आई, बाप रे क्या कुरान की जानती हदीस तू, और अल्लाह का खौफ, अब बारिश में रेनकोट और छाता चलता रे, बोल अल्लाह का जब तूफान आएगा ना आंधी ना तूफान ना कुछ तेरे को रोकेगा रे, वो डोर अल्लाह एक ही बार खींचे तेरे को छोड़ा है जा, जितना है अल्लाह की डोर से कोई बचा है ना, ये गोल्ड आएगा ना मेरा गोल्ड आएगा ना कुछ आएगा, 4 मीटर कपड़ा आएगा कफन का समझी, ईमान मत खराब कर, अभी भी बोलती ईमान मत खराब कर समझी, नहीं तो तेरा फेस तो मैं बना के रखी हूँ देख ले, ओरिजिनल फेस दिखाऊंगी डालूंगी ना इंस्टाग्राम पे जब देखना तेरा रियल फेस क्या है समझी। तू बोलती ना क्या है उसके पास, तो तेरे तू जो रिकॉर्डिंग डालती थी ना, देख लिया ना तेरे पैसे के लिए मैंने मोबाइल तोड़ दी, मैंने ऐसा की एक्टिंग बाज, जब वो खाजा दाना में बैठे कुरानी कसम खाता, बॉस मैंने पैसे उसको दिया, तुम मेरे को पूरे प्लानर वो थी, वो फोन कराती थी ये करती थी, गेम तो तू खेली रे, सबसे बड़ी खिलाड़ी तो तू है साली, पैसे के लिए इतना गिरती है, किसके पास भी जाती है क्या भी करती है। हाँ और देखो जो बनता वो उखाड़ ले मेरा, जो करना है कर ले, वन मन शो बोल जब भी बोल, मगर तेरे को अभी भी बोलती चैलेंज करती हूँ, अपनी माँ का नाम नहीं लगाना तेरे को छोड़ूंगी नहीं बेटा, बस भरे बीच में लंगा करके मारूंगी, और ये वादा मेरा मारूंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये क्लिप आपने देखा, हाँ जी रिहाना बॉस जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उनका गुस्सा बनता भी है ना, उनका गुस्सा देखो इसलिए बनता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो देखो इन्होंने चाची जी ने उनके पैसे भी ले लिए, प्लानिंग के साथ पैसे लिए, ऐसा ही नहीं पैसे ले लिए भाई, प्लानिंग के साथ पैसे लिए, प्लानिंग के साथ उन्होंने पैसे भी ले लिए, फिर जो है वो पैसों से अय्याशियाँ की, शॉपिंग की, ज्वेलरी बनाई, या वो ब्याज का कारोबार जो भी किया उन्होंने या वो किया, पर ये है कि पैसे तो ले लिए ना,
तो जी पैसे ले लिए, आप जो है उनकी वीडियो भी डिलीट करवा रही हैं, मतलब कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। अच्छा जी, फिर इसके ऊपर अगर अगर जो रेहाना बॉस ने ऐसा बोल भी दिया कि इसको लाइक मत करो, इसको फॉलो मत करो, तो इसमें क्या गलत बोला? अगर कोई बंदा मतलब नुकसान पहुंचा रहा है और बातों से भी पहुंचा रहा है और पैसों से भी पहुंचा रहा है, हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया जाए, क्यों तो फिर क्या हम उसकी प्रमोशन करेंगे? जायज़ बनता है ना, उनका तो राइट है ये कि उन्होंने अगर ये बात गुस्से के अंदर बोल दी। लेकिन चाची समझ रही है कि इसमें भी इनको बोलना चाहिए था इनको लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, तो यार ऐसा नहीं होने वाला चाची जी, आप तो ज़्यादा ही। और आप और हाँ, एक और बात कि भाई देखो, ये होती है बात कि ये आपकी तरह उन्होंने नहीं बोला कि मुंबई आ जा, सूरत आ जा, सूरत आ जा, मुंबई आ जा, वो वाला खेल नहीं खेला उन्होंने, कहा जहाँ तू बोलती है तुम बोल, मैं वहाँ पर आती हूँ। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि जिस बंदे के दिल में चोरी नहीं होती या कोई ऐसी बात नहीं होती है ना, तो वो तो बोलता है भाई तो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मुझे बुला ले, मैं आ जाऊँगा तेरे पास। लेकिन वही के जो इनके पति देव जो बोल रहे हैं और ये कि सूरत आ जा, मुंबई आ जा, मुंबई आ जा, सूरत आ जा, ये दोनों एक दूसरे को ये वाली बात करते, जबकि मैं ये बोलती हूँ कि चाची अभी अगर सबसे पहले अगर किसी को पकड़े ना, तो वो पकड़ें जी अपने पति देव को, भगोड़े पति को ना, अपने उसको पकड़ें, क्योंकि ये गंद फैलाने वाला, ये सब कुछ करने वाला जो है इनका, वो पति देव ही है। क्योंकि या तो फिर सामने बैठो, रिहाना बॉस के सामने बैठो, अपने पति को भी बिठाओ और ख़ुद भी बैठो, और ताकि फिर ही बात जो है वो पब्लिक को भी समझ में आए, और आप लोगों को भी शायद ऐसे लगता है कि कुछ बातें पता है आपस में और कुछ बातें नहीं पता या जानबूझ के कर रहे हैं, स्पेशली चाची जी, कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था ये हुआ वो हुआ। तो जो पैसे लेने जब मोगली और आपके पति देव जब साथ गए, तो ऐसा हो सकता है कि मोगली ने आके आपको घर पे ना बताया कि हम जो है वो वहाँ से पैसे लेकर आए? पैसे लेने के वक्त तो मोगली और आपके पति देव गए थे ना, और मोगली को तो आप बोलती हो ये मेरा क्या बोलते हैं दायना हाथ है, और ये मेरा ये है, मेरा बाजू है, मेरा ये है, फलां ढिमका, पता नहीं क्या 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 दसियों नाम आपने उसके रखे हुए हैं, तो वो तो आपका सब कुछ है। तो उसने नहीं बताया होगा क्या आपको कि हम वहाँ से पैसे लेके आए? यार पब्लिक को इतना भी मत बनाओ ना अभी, मतलब बहुत बना लिया 8-10 महीने से, और आप बोल रहे हो अभी जाकर जो है घर पर जाके मैं क्लियर करती हूँ, और बहुत आप उछल रही थी। और हाँ एक और बात यार, आप बेटियों को मत बोलो, देखो किसी की भी बेटी को क्यों बोल रही हो आप? मतलब जो बोलना है आप आपस में लेन देन है आपस में करो ना, बेटियों के बारे में क्यों ओल फोल भगती हो आप? आपको कुछ नहीं मिलता, आप बेटियों को टारगेट करती हो। और सही बोलते हैं बोलने वाले कि आपको अल्लाह ने बेटियां नहीं दी, क्योंकि आप शायद इस काबिल नहीं थी कि आप जो है वो बेटियों को पाल सकती, इसलिए अल्लाह ने आपको नहीं दी बेटी। वो बोलते हैं ना, वो बेटियां वो फूल हैं जो बाग में नहीं खिलती हैं, रब का दिया नूर है जो किस्मतों से मिलती। तो भाई ये रब का दिया नूर होती हैं जो ये किस्मतों से मिलती हैं, और आपकी किस्मत जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको बेटी की परवरिश करने का मौका अल्लाह देता, ठीक है? तो आज की वीडियो मेरी यही, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, शायद फेस से भी मेरे लग रहा होगा, मेरी आंखों पे स्वेलिंग हुई भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा बीपी शूट कर रहा है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।